हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द सिक्स मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिक्लेयर्ड बाय द ACPC। तो ये वीडियो के अंदर हम जो ACPC की तरफ से छह मेन पॉइंट्स जो डिक्लेयर किए गए हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द पॉइंट्स आर ऑन योर स्क्रीन। तो मैं यहाँ पर एक के बाद एक पॉइंट आपको बहुत ही विस्तार से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। The first point would be the online admission registration will start from 2nd of April from 2 PM onwards। यानी कि ये तो आप सबको पता ही है कि यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है और ये यहाँ पर 2 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है, द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेइंग रजिस्ट्रेशन फी इज 15th of May बिफोर 5 PM। यहाँ पर दूसरे पॉइंट के अंदर क्या लिखा गया है, दूसरे पॉइंट के अंदर आपको बताया गया है कि 2 अप्रैल से कब तक चलने वाला है, 2 अप्रैल से ये 15 मई तक शाम को 5 बजे तक यहाँ पर चलने वाला है। बट दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है ये हर साल यहाँ पर एक्सटेंड होता ही है और ये साल भी डेफिनेटली एक्सटेंड होगा ही होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा है, द कैंडिडेट सोल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय अपलोडिंग ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा गया है कि आपके जो भी यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है ना, वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन आपको अपलोड करने हैं। और इसके अलावा लिखा गया है, पेइंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फी 350 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो यहाँ पर 5 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका साइन किया गया हुआ फोटो, आपका इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का आईडी कार्ड, HSC का रिजल्ट या फिर HSC की होल टिकट। तो ये 5 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको कंपलसरी चाहिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 350 रुपीज़ ऑनलाइन पे करना होगा। तो ये है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 वुड बी, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन थ्रू एडमिशन कमेटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 सोल हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन टू बिकम एलिजिबल फॉर द फर्दर एडमिशन प्रोसेस। प्लीज नोट, नो अदर मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आर अवेलेबल। यानी कि पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि अगर आप इस साल यहाँ पर ACPC के प्रोसेस के अंदर भाग लेना चाहते हो तो आपको कंपलसरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फॉलो करना ही होगा, रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। और रजिस्ट्रेशन के अलावा दूसरा यहाँ पर कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 4। योर पॉइंट नंबर 5 वुड बी, देयर इज नो नीड टू सबमिट और वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट इन पर्सन, द एंटायर प्रोसेस इज कंप्लीटली ऑनलाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, और वो रहने वाला है कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट को, कोई भी यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको कहीं पर ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये गलतफहमी मत रहना कि कहीं पर ऑफलाइन जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाली है। एंटायर प्रोसेस is going to be there online। इन फैक्ट आपको यहाँ पर जो भी कॉलेज में जाना है ना, मान लीजिए कि आप राजकोट के अंदर रहते हो और आपको LD में जाना है, तो फिर यहाँ पर पहले LD में जाके किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे LD में एडमिशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा। आप राजकोट में बैठे बैठे ही अहमदाबाद की LD कॉलेज के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जाना हो तो उसके अंदर, मैकेनिकल में जाना हो तो उसके अंदर आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। एंड योर लास्ट पॉइंट इज द कैंडिडेट शुड विजिट द एडमिशन कमिटी वेबसाइट एंड थ्रू लॉग इन टू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन पोर्टल थ्रू देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिगार्डिंग वेरियस अनाउंसमेंट, वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड अदर गाइडलाइंस ऑन डे टू डे बेसिस। लास्ट पॉइंट भी यहाँ पर बहुत सही लिखा है। लास्ट पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि आपको डेली बेसिस के अंदर यहाँ पर एक बार तो विजिट करनी ही होगी ACPC की जो भी वेबसाइट है उसको, ताकि यहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, ये आपको मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज द ACPC.gujarat.gov.in, इसके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन पड़ता है तो ये वाली वेबसाइट के अंदर आएगा। इसके अलावा कॉलेज की इंफॉर्मेशन, कितनी फीस है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज, ग्रांटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ये सारा डिटेल्स आपको बेसिक चीज जाननी है ना, तो फिर आपको फर्स्ट नंबर ऑफ वेबसाइट देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको चॉइस फिलिंग का राउंड नंबर 1 का, राउंड नंबर 2 का, मॉक राउंड का रिजल्ट देखना है, आपका मेरिट रैंक देखना है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको सेकेंड नंबर ऑफ वेबसाइट विजिट करना होगा। ठीक है, so yeah, that's it for today's video। thank you very much for watching this video। if you have any doubts then feel free to ask me in the comment section। thank you, bye bye।